आज हम टेक्स्ट बुक का आरआरबी क्लियर का मूव करेंगे। इसका लेवल माना जाता है सेम जैसा एग्जाम में आएगा उसी लेवल का इनका कंटेंट रहता है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक लगा के जाओ एग्ज़ाम से पहले, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस और आपको लेवल का पता लग सके, ठीक है। और आपके पास कॉपी और पेन होनी चाहिए। अपन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉक, मेरे साथ साथ आप भी मेरी स्पीड मैच करेंगे। मेरी स्पीड हो सकता है आपसे कम हो क्योंकि मेरे को यहाँ पे डबल क्लिक करने पड़ते हैं, मेरे को यहाँ पे समझाना पड़ता है, पर आपको मुझसे फास्ट करना है। अगर आप मुझसे फास्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए कि क्या ट्रिक्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जो आपको बेनिफिट दे सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले अपन मैथ्स करेंगे। मैथ्स के अंदर सबसे पहले अपन सिंप्लीफिकेशन नंबर सीट आ गई, कोई बात नहीं, जो जो चीज़ें आएंगी अपन कर सकते हैं वो अपन करेंगे। देखो यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है क्योंकि कोई भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़े डिजिट एकदम से नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस है। तो कितने का है? 4 का है, यहाँ पे 9 का है, यहाँ पे 16 का है, यहाँ पर कितने का होगा? 25 का होगा, यहाँ पे कितने का होगा? 36 का होगा। 61 में 36 प्लस करेंगे तो 7 आएगा पीछे, ठीक है, और 97 आएगा। तो ये रहा ऑप्शन नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एकदम से बढ़ रहा है ना, मतलब मल्टीपल है। यहाँ पे तो 8 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है? 4 हुआ है, तो यहाँ पे 2 हुआ होगा और यहाँ पे 1 हुआ होगा। तो यहाँ पर कितना हुआ होगा? अगर 1 हुआ होगा तो 10 ही आया होगा। तो अब देखो यहाँ पे ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब यहाँ पर सीधा डिफरेंस है, 13 हो गया, ये कितना हो गया? 15 हो गया, ये कितना हो गया? 17 हो गया। इसका मतलब ये है कि दो दो बढ़ रहे हैं, तो ये 19 होगा। 57 में 19 प्लस करेंगे तो पीछे आएगा और ये 76 आएगा। 76 ये अपन ने लगा दिया नेक्स्ट। अब इसमें देखो एकदम से बढ़ रहा है, मतलब मल्टीपल है कुछ। कैसे मल्टीपल है? ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, तो ये 7 होगा। अब देखो 7 को 36 से करना है तो कैसे करोगे? 7 3 था 210 और 7 6 42, कितना आ जाएगा? 252 52, ये ऑप्शन लगा दो नेक्स्ट। अब इसमें देखो इसमें भी कुछ मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे भी 4 हो रहा है, यहाँ पे भी 4। अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लो, 125 आएगा। मेरा 125। अभी इसको छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू कर लो, मतलब यहाँ से आपके अरिथमेटिक स्टार्ट है। हाँ ये आगे सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन देखो 10 से 10 सीधा कट हो गया, 8 से कट जाएगा ये 56, और इसको 8 से काट लो, 8 7 56, ठीक है। इसको 7 से काट लो, 11 आ जाएगा, 11। अब 18 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो एक स्पेस छोड़ के 18 वापस लिख, 198 में कितना प्लस करना है? ये प्लस का ये प्लस कर दो, ठीक है, कितना है ये? 2802, तो ये हो जाएगा अपना 0003000। 3000 में से अगर अपन 2045 माइनस करेंगे तो देखो 45 में कितने जोड़ूँ? 55 जोड़ने पड़ेंगे, तब ये 2100 बन जाएगा, 2100। और अब 2100 3000 में से जाएंगे तो 900 बचेगा, तो 955 इसका आंसर होगा, 1100। ऐसे आप ब्रेक कर करके माइनस करना सीखो, धीरे धीरे टाइम लगेगा पर आपकी स्पीड बन जाएगी। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब देखो ये 100% है, परसेंट के 100 से तो ये अपने आप ही कट जाएगा। ये कितना है का? 2 26 2 52, 52 और नीचे 13, 13 4 52 होता है, 13 4 52 आंसर। अब देखो ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का, देखो लास्ट के डिजिट सेम है, मतलब अपन को पूरा 2 डिजिट देखो सेम है क्या? 2 डिजिट भी सेम है, मतलब पूरा करना पड़ेगा। तो देखो 2 4, ठीक है, 6 और ये 2, ये 8 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब लिख लो, अब देखो देखो अब लिख लो 874 876, और ये कितना आ रहा है? अरे सॉरी, ये 2 प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 ही आएगा, 6 आएगा, ये 222, क्योंकि देखो ये सब थाउजेंड्स में थे, ये 100 में, इसलिए यहाँ पे 2 प्लस नहीं कर सकते, 6 ही होगा। अब देखो 7 6 7 6 13 और 1 15, एक कैरी, ये 9 7 16, 16 और 2 18, एक कैरी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 5 13 और 1 15, 7 5 8 5। अब इसमें से क्या माइनस करना है? 5 6 4 5 माइनस, देखो पीछे 20 आ रहा है, नहीं सॉरी 40 आ रहा है पीछे, 40 किस में? 2 में है। आगे और करके देख लो, यहाँ पे 9 आ जाएगा क्योंकि यहाँ से हमें कैरी लेंगे, तो 940 किस में आ रहा है? वही अपना 13 940। अब इसको देखो, ये तो नीचे x, तो यहाँ पे जाके 86 बना लेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का है,
81 इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पे आएगा 11, 11 आ जाएगा। तो देखो पहले यहाँ पे डिवाइड सोल्व करो, 17 फोर ज़ा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, क्योंकि देखो 8 और 7 15, 15 का भी 2/3 होगा, ये हो जाएगा 10, 10 6 60, 60 इसका। ये देखो ये डिवाइड में जाएगा तो 5 5 ज़ा और ये 5 3 ज़ा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 130 का स्क्वायर, मतलब 130 को मैं दो बार लिख दूँ, 5 नीचे है ही 3 ऊपर है, देखो ये 5 डिवाइड में ना, 5 डिवाइड में लिख दिया। और देखो यहाँ से 30 भी डिवाइड में आ गया, तो 1 0 से 1 0 कट, ये कट आपका, इसका डबल हो जाएगा। मैंने कहा था जब भी आपको 5 से किसी को काटना हो तो उसका डबल कर दो, तो 26 और 13 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हो जाएगा 260, फिर 3 से करेंगे तो 26 को अगर मैं 3 से करूँगा तो 6 3 18, 3 2 6 और 1 70, ये आ जाएगा आपका 338। अभी देखो 4 से कटेगा, डिवाइड है तो 20 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 5 चौक 20, ये तो आपका 0 हो गया। अब ये परसेंटेज में से 100 चले गए, अब 15 इसमें से अगर मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 1210, 1210 आ जाएगा, 1210 आ जाएगा, क्योंकि 5 5 चौक 20, और ठीक है 0 हो गया, तो अभी 100 100 कट गया, 15 इसमें से माइनस होगा, हाँ तो 1210 आएगा, तो मतलब ननो 1210 लगा देंगे। नेक्स्ट, अब देखो इन दोनों को पहले प्लस करके इसमें से माइनस करना है, ठीक है। फिर ये इधर आके ए बी प्लस हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो पहले ही कर लो, 39 को पहले 4575 में प्लस कर लो, प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 4614। अब 925 किसका होता है, देखो इसका बहुत आसान है करना, ये आपका होता है 95 का, ठीक है, क्योंकि पीछे अगर 25 होता है तो उसका 5 होता है, ठीक है, और 9 के एक आगे वाले टर्म से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 90, ये मैं आपको स्क्वायर रूट में सिखा दूंगा, 95 का होता है, 95 माइनस हो जाएगा 1740, 2250, ठीक है, और यहाँ से आएगा ये माइनस हो जाएगा 95, तो 95 भी इसमें पहले प्लस, 5 9 18, और ये 0 और ये 40, 4085, तो पीछे बचेगा 9, ये यहाँ से 0 हो गया था, पीछे बचा 9, ये हो गया आपका 5, ये बचा 2, ये 5, 529, 529। अभी देखो ये 3 से आपका कट जाएगा 210, 1 0 से 1 0 कट जाएगा इस 100 के कारण, ठीक है। अब 7 को आपको इससे करना है, ठीक है, 7 एकम 7 7 दूनी 14, अब इसका डबल करना है क्योंकि यहाँ पे 2 और 1 और दे रखा है, तो 7 7 14 4 4 8 और 1 9, 294। अच्छा अब इसको देखो, यहाँ पे देखो सिंपल कर लो, ये आपको आराम से पता लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का ऑलरेडी वहाँ पे कितना है, 169 है, उसमें 39 और प्लस हो जाएगा, इसको ज़रा कट कर लो, ये हाफ है, मतलब इसका रूट है, ये किसका रूट होता है, ये होता है आपका 29 का रूट होता है इंटू 5, 29 का रूट इंटू 5, ठीक है। अब इसमें से अपन को क्या माइनस करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 45, 5 2 10, 154, 154 में अपन को ये प्लस करना है, क्या प्लस करना है, एक तो 169 प्लस करना है, 29 प्लस करना है, 9 9 18 4 22, ठीक है, 7 6 13 और 1 15, ये कितना हो जाएगा 352, गड़बड़ तो नहीं। अब ये किसका क्यूब होता है, कुछ गड़बड़, 352, कोई बात नहीं, एक बार और कर लेते हैं, एक हुई जल्दबाजी में, देखो ये किसका होता है, 841, 29 का होता है इंटू 5 हो गया, ठीक है, प्लस 169 हो गया, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 44 में से 15 माइनस करो, ये गलती नहीं हुई है, 29 नहीं होता, 29 प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसको एक बार मल्टीप्लाई करो, 145 ही होगा, 145, 69 और 29, 18 और 5 23, 7 का होगा वो, ठीक है, वो सही था, 9 5 8 5 13 होता है, ठीक है, 7 का हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना, उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा।
हाँ इन दोनों, इन सबको प्लस कर लो, देखो लास्ट की डिजिट सबकी 0 0 आ रही है, मतलब पूरा करके देखना पड़ेगा। 1156, 10 16, ये कितना हो जाएगा 14, और ये 0, ये कितना हो जाएगा 20, 20 और 3 23, 23 में से क्या माइनस करना है, 9 8 4 माइनस, तो 9 8 4 नहीं, 2 2 5 6 माइनस, तो 0 50 ये आएगा इसका, ये ना 50। इसमें देखो पहले 6 हो जाएगा, ये 2 और ये 9 हो जाएगा, देखो ये 1/4, तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 0 काट दो, ये 60 आ जाएगा, ये 100 हो गया, ठीक है, ये 100 हो गया, 100 हो गया तो कितना आता है, 1/5 होता है, तो ये 500 हो गया, ये आपकी आ गई, क्या आ गई, यही, इसको आप मार्क कर लो, आगे देख लो और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है लग रहा है, कोई बात नहीं, अब आ जाओ वापस से 29 पे, पहले डीआई को सोल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, 1 BHK फ्लैट और 2 BHK फ्लैट्स हैं, फाइंड दी एवरेज ऑफ 1 BHK फ्लैट इन ऑल बिल्डिंग, एवरेज निकालना है सब बिल्डिंग का, ठीक है। तो देखो इसके दो तरीके होते हैं, चलो वो मैं आपको कभी शॉर्ट वीडियो बना के बताऊंगा, अभी अपन सीधा कर लेते हैं। ये 10 और 4 14, एक कैरी, 3 4 6 8, 84, 84 को किसे डिवाइड करना है, 4 से, आ जाएगा 21। फाइंड द रेशियो बिटवीन 1 BHK फ्लैट इन ABC, 1 BHK फ्लैट इन ABC, तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये 60, 60 टू 2 BHK फ्लैट इन COD, COD ये कितना हो जाएगा आपका, एक कैरी 51, 51 हो जाएगा। तो इसको आप 3 से काट सकते हो, ये 17 3 91, 20 और 17 आ रहा है, 13 20। फाइंड 2 BHK फ्लैट इन बिल्डिंग इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 1 BHK फ्लैट इन सी, ए के 2 BHK और सी के 1 BHK, तो कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 25, तो ये 55 25, 13 20, बहुत ईजी, ऐसे ही लेवल के आपको क्वेश्चन सेम RRB क्लियर पे देखने को मिलेंगे, आप ये प्रैक्टिस करके जाओ, अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो वहाँ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल 2 BHK फ्लैट एंड टोटल 1 BHK फ्लैट इन ओल्ड बिल्डिंग, देखो ये अपन ने टोटल करे थे 84 आ रहे थे, अब इसको प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 16, एक कैरी, 3 3 6 और एक 7, 7 2 9, 9 और 2 11, 84, तो ये 2 और 32। क्या बोला, ड्यू टू रिनोवेशन इन बिल्डिंग है 20% ऑफ 1 BHK फ्लैट गेट कन्वर्टेड इनटू 2 BHK फ्लैट, नाउ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 2 BHK फ्लैट इन बिल्डिंग है, देखो 30 तो थे, ठीक है, अब 20 में से कितने कन्वर्ट हो गए, 20% और कन्वर्ट हो गए, मतलब 4, तो 34 हो गए, 34 हो गए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर को करने से पहले आप देख लो, एक DI और होती है, वो DI कर लो, ये DI अर्थमेटिक सॉल्व करने से पहले, क्या बोल रहा है वो, इंग्लिश मराठी ये इसके सब्जेक्ट है, ठीक है रोहन राम, ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय रीता एंड रोहन इन 5 सब्जेक्ट, रीता एंड रोहन, रीता कौन है, रीता डोट वाली रीता है, ठीक है, रीता डोट वाली है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, 5 5 का गैप चल रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ 5 का गैप चल रहा है, तो रीटा के 70 आए हैं पहले, उसके बाद अपन को डोट वाला देखना है, यहाँ 70 हो गया डोट वाला, हाँ यहाँ पे 70 हो गया, ये 2 बार 70 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 75 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 60, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 65 हो गया, अब देखो ये कितना हो गया 10, 1 2 3 और ये और मिला लो 4 7 4 28, 28 और 6 34, 340। आगे क्या पूछ रहा है, रोहन के, रोहन के कौन है भाई, रोहन तेरा, रोहन, रोहन के कहाँ हैं, रोहन के हैं, ओहो कुछ गड़बड़ हो गई है, एक मिनट, बहुत ही ध्यान से इस DI को करना पड़ेगा, देखो किसी में ट्रायंगल में और किसी में राउंड में कंफ्यूजन हो सकता है, तो पहले अपन रीटा का निकालना है, तो मैं ट्रायंगल देखूंगा, छोटा सा ट्रायंगल, तो 70, एक ट्रायंगल ये हो गया, हिंदी में ट्रायंगल कहाँ आ रहा है, ये देखो हिंदी में ट्रायंगल यहाँ आ रहा है, मतलब 65 आ रहा है, और 60 आ रहा है, अभी गलत हो जाता,
मराठी में ट्रायंगल कहाँ आ रहा है? 90 पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, मतलब 85 पे आ रहा है। और सोशल साइंस में ट्रायंगल कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, देखो तो ये कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। भी गड़बड़ हो जाता है। 5 ये 13, ये 22, 22 और 8 30, 75 आ रहा है यहाँ पे रीटा का। अब रोहन का निकालो, रोहन के लिए मुझे राउंड वाला गिनना है। राउंड वाला गिनेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 80, यहाँ पर आ रहा है 70, यहाँ पर आ रहा है 75, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 60, यहाँ पर आ रहा है आपका 65। तो ये 10 हो गया एक कैरी, ये 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 और 6 29, 29 और 6 35। तो कितने का फ़र्क आ रहा है यहाँ पे? 25 का फ़र्क आ रहा है। तो आप सीधा 25 लगा दो, अभी गलत हो जाता, कोई बात नहीं। फाइंड दी रेशियो बिटवीन टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय इन थ्री इंग्लिश एंड सोशल साइंस, तीनों के इंग्लिश के जोड़ लो। तो देखो 70, 80, 150, 150 और 90, 240। रेस टू क्या बोल रहा है? सोशल साइंस, सोशल साइंस का ये रहा सोशल, ये कितना आ रहा है? 60, 65, 100, 125, 60 और 65, 125, 125 और 70, 195, ठीक है। इसको जरा 5 से काट लो, ये कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा डबल। इसको काटूंगा तो मैं, ये हो जाएगा आपका 40, नहीं, 40 39 हो जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा? 16, और ये आ जाएगा आपका 13। तो 16 और 13 अपना आंसर, 16 और 13। फाइंड द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय थ्री इन हिंदी, हिंदी में तीनों के एवरेज निकाल लें। 60, 70, 130, 130 और 80, 210, 10 और 3, 70 आएगा इसका एवरेज निकालना, 70 आ गया। टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन मराठी बाय राम, राम ने मराठी में कितने करे? राम कौन है? स्क्वायर वाला राम है, ठीक है। मराठी में राम ने करे 70। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय थ्री इन मराठी, तीनों के मराठी में कितने? देखो 70 और 75, 145, 145 और 90, 145 और 90, 145 और 90, शायद 235 होगा, करके देख लेते हैं, रिस्क नहीं लेते। हाँ 235। अब इसका हमारे को अप्रोक्स निकालना है। अप्रोक्स निकालने के लिए पहले इसको छोटा कर लेते हैं, जो ज़्यादा आसानी रहे। छोटा मत करो, सीधे ही काट दो आप, ये मानो का डबल करूँगा, तीन गुना करूँगा, तीन गुना कर लेता हूँ। अगर मैंने तीन गुना करा इसका तो ये मेरे को दे देगा 705, करीब 30 के आसपास आएगा। तो 30 के आसपास ही रहा, लगा दो। अब यहाँ क्या बोल रहा है? द मार्क्स ऑब्टेन इन फाइव सब्जेक्ट ऑफ रोहन, रोहन के जो फाइव सब्जेक्ट में, रोहन के हमने निकाले थे कितने आ रहे थे? 350 आ रहे थे, ठीक है। एप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय राम, राम के भी जोड़ने पड़ेंगे। चलो राम के जोड़ लेते हैं, कोई बात। राम का क्या है? स्क्वायर वाला है 90, ये कितना हो जाएगा? 80, 90, 80 कितना हो जाएगा? 170, ठीक है। मराठी में कितना है? 70, तो इसमें 70 और जोड़ेंगे तो 240, संस्कृत में कितना है? 80, तो ये कितना हो जाएगा? 320। अब लास्ट सोशल साइंस में कितना है? 60, तो हो जाएगा 380। कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है किससे? 380 से। तो इसको ज़रा कर लो आप, इसको तो 2 से कर लो। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 19, और ये कितना हो जाएगा आपका 150। 19 के पारे में 150 के आसपास क्या आता है? 17, 133, 18, 152 होता है, तो करीब करीब 8 के पास जाएगा। तो ये रहा 8, ठीक है। ये सब हो गया, टाइम कितना बच रहा है भाई? अभी तो बहुत, 6 मिनट बच रहे हैं, अगर आप 25 मिनट इसको दे रहे हो तो। अब अपन एक काम करते हैं, अब अपन यहाँ पर थोड़े से अरिथमेटिक कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, जो जो अच्छा लगेगा पहले अरिथमेटिक वो करेंगे। अ शॉपकीपर गिव 10% डिस्काउंट ऑन देयर कस्टमर एंड सेल सूट ओके एंड गोट प्रॉफिट इतना। देखिए क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दिया अपने कस्टमर को और वो सूट इतने में सेल करा, कितने में करा? इतने में सेल करा, ठीक है। तो भी उसको प्रॉफिट हो गया, इतने का हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी? कॉस्ट प्राइस अपन ऐसे निकाल लेते हैं। अब वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में डिफरेंस बताओ, तो पहले इसको कट कर लेता हूँ मैं। ये 12 2 24, ठीक है, ये 30 हो जाएगा, वापस से 2 जाएगा, ये फिर 5 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 22 50। ये क्या हो गया? अपने कॉस्ट प्राइस हो गया। अपन को क्या निकालना है? मार्क प्राइस भी निकालना है। मार्क प्राइस निकालने के लिए आपको पता है सेलिंग प्राइस में जो भी डिस्काउंट दिया होता है उसको उल्टा करके लिख दो, उसको उल्टा करके लिख देते हैं। 3000,
3,000 और इसमें कितने का, 750 रुपये का फर्क है, 750। नेक्स्ट, ए भी पार्टनरशिप में घुसे, ए और बी घुसे, इसने लगाए 4,000, सॉरी 40,000, इसने लगाए 50,000। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेटेड ए रिसीव ₹1,500 पर मंथ फॉर बिजनेस, द रिमाइंडर ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी शेयर इनटू द इन्वेस्टमेंट इफ द एनुअल प्रॉफिट इज इतना। एनुअल है तो मतलब एट लास्ट जो रेशियो रहेंगे वो 4 और 5 ही रहेंगे, मतलब दोनों ने हर मतलब एक एक साल के लिए दोनों ने काम करा, ठीक है। अब हर महीने कहा वो 1500 लेगा, हर महीने कितने काम चला, 12 महीने तक चला, मतलब वो 1800 रुपये ले लेगा, ठीक है, 1800 नहीं 18,000 रुपये ले लेगा, ठीक है, 12 15 18 होता है और एक जीरो और आ जाएगी, ठीक है, 18,000 रुपये वो ले लेगा। टोटल कितना हुआ है, 45,000 हुआ है, टोटल हुआ है 45,000। 45,000 में से अगर आप 18 माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे 27,000 बचता है। अब 27,000 उसने क्या कहा कि वो रेशियो में बटेंगे उसके। अब उन्होंने कहा बी का प्रॉफिट शेयर निकालो, तो बी का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी का ऊपर रखना पड़ेगा 9 15 15,000 आ जाएगा, क्या आ गया 15। मैं आपको समझाते भी जा रहा हूँ, करते भी जा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए हो सकता है कि अपन थोड़े कम अटेम्प्ट कर पाएँ, पर मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई लाइव वीडियो देख रहे हो तो आप कुछ सीख के जाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ देख ही बैठ के एंजॉयमेंट किया और चले गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ एनी थ्री नंबर द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स मोर देन थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, ओके, फर्स्ट टू नंबर एक्स वाई जेड मान लेते हैं अपन, ठीक है, मोर देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली 30 और 40, और देन कोई बात नहीं, इसकी लैंग्वेज अभी मुझे थोड़ी सी कर रहा हूँ, देखो जो अच्छा लगेगा क्वेश्चन पहले वो करूँ। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वोटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अच्छा बोट कितनी है 15 और करंट कितना है 3, फाइंड द टाइम टेकन 72 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिटर्न। अच्छा एक बार तो वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा, एक बार वो अप स्ट्रीम में आएगा, 72 किलोमीटर की बात हो रही है, तो अगर वो 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो कितना जाएगा 18 जाएगा, और 72 अप स्ट्रीम में आएगा तो कितना जाएगा 12 जाएगा, 12 6 18 4 8 6 10, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर रनिंग एट अ स्पीड, ओके, क्रॉसेस अ टनल इतना एंड अनदर ट्रेन इतना एट द सेम। अब वो कह रहा है कि 200 मीटर की एक लंबी ट्रेन है, ठीक है, मीटर की, वो एक टनल को क्रॉस करिए, टनल की लेंथ नहीं पता टी मान लो 90 की स्पीड से, तो 90 का पहले आप इसको किलोमीटर पर हार में ना इसको आप चेंज कर लो 18 25 कर लो, इसको 25 आ जाएगा सीधा, मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ, मतलब उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई 25, तो ये 25 हो, ओके, ये क्या आ गया, कितनी देर में कर दिए, 24 सेकेंड में कर दिए। यहाँ से मैं टनल निकाल सकता हूँ, बहुत आराम से टनल निकाल सकता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे 25 से, देखो जब भी कभी 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो 1 0 लगा के हाफ करते हैं, अगर 25 से करना होता है तो 2 0 लगा के 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 600, 600 में से 200 जाएंगे तो टनल आ गया आपका 400। अब वो क्या कह रहा है, अनदर ट्रेन रनिंग एट इतना क्रॉसेस द सेम टनल, वो भी इस ट्रेन को क्रॉस कर रही है, अब उसकी लेंथ बताओ, तो सेकेंड ट्रेन की लेंथ नहीं पता तो मैं ट्रेन को टी मान लूंगा, टनल मैंने निकाल लिया 400, अब उसकी स्पीड क्या है 108 है, इसको भी कन्वर्ट कर लूँ क्या, कन्वर्ट कर लूँ 5 बटे 18 18 6 30 आ गई इसकी, कितनी कितने सेकंड में कन्वर्ट करिए 30 में, तो ये कितना आ जाएगा 900, ठीक है 900 आ गया यहाँ पर, अगर मैं 900 में से 400 काट दूंगा तो आ जाएगा, तो आ गई यहाँ दिल्ली 500। नेक्स्ट, अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ माइलस्टोन, ओके, इन 12 सेकंड एंड क्रॉसेस द अदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ ट्रेवलिंग द अपोजिट डायरेक्शन 15 सेकंड, ओके। माइलस्टोन मतलब बिल्कुल छोटा सा एक पत्थर है, तो 180 लॉन्ग ट्रेन है वो अपने आप को ही 12 सेकंड में यहाँ पर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो इसकी लेंथ की सॉरी इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 12 × 12 = 60 15 आ गई, 15 मीटर पर सेकंड आ गई। अब वो कह रहा है सेम लेंथ की, मतलब 180 की तो ये थी, वो भी 180 की हुई, तो 360 दोनों मिलके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे वाले की ट्रेन बतानी है, एक की स्पीड आपको पता है 15 है, ठीक है, एक की 15 स्पीड है, दूसरे की स्पीड नहीं पता, दोनों अपोजिट में आएंगे तो क्या होंगे, प्लस होंगे, स्पीड प्लस होगी, दूसरे की मैंने एक्स मान ली कितनी में 15 में, तो 360 ये हो जाएगा आपका 225, ये हो जाएगा आपका 15x, 225 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 35, तो आपका बच जाएगा 35, ठीक है 135, और 15 इसमें से जाएंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 9 आ गया, अपन आंसर 9,
है। अब देखो ये रहा, 13 men working 7 hours, 13 men 7 घंटे और 20 दिन ले रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज, 21 men। अब वो कह रहा है 21 men 8 घंटे के हिसाब से कितने दिन लेंगे। तो देखो नीचे 21 m भेजो और 8 भेजो, x अपने आप आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो ये 7 3 काट दो, ए एम से एम काट दो, 30 है वो, 30 है ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो, 4 2 हो गया, 4 5 हो गया, ये 10 था, ये 5 हो गया, 55 25 आंसर आएगा इसका। देखो अब अपना टाइम भी हो गया है और अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 34 क्वेश्चन कर लिए, तो चाहूँ तो मैं अभी बंद कर सकता हूँ। 6 क्वेश्चन कम करें वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको समझाने में रहा, पर कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अब सेशन अपन ने लिया है तो अपन यहाँ पर जो भी अर्थमेटिक है वो अपन करके जाएं, ताकि कि आप कुछ ना कुछ सीख पाओ। चलो 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहित टुक सर्टेन लोन अमाउंट फ्रॉम अ बैंक, 7%, 7% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है वो, एंड लेंड दी सेम मनी टू राहुल, राहुल को दे दिया 3 साल के लिए और उसको इतने का प्रॉफिट हो गया। तो देखो इसको कैसे करना है भाई, इसने एक्स अमाउंट लिया होगा 7% की रेट पे ठीक है, 3 साल के अंदर, 3 साल के लिए लिया होगा अपॉन 100, इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये मिलेगा जो भी मिलेगा। अब उसने सेम लेंड दी सेम मनी, जो उसने पैसा लिया था वही एक्स, इसने 13% की रेट पे 3 साल के लिए चढ़ा दिया, यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्ट मिला होगा और यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट ज़्यादा होगा क्योंकि इसने पे परसेंटेज ज़्यादा लगा के दिया है, और इसको टोटल कितने का प्रॉफिट हो गया, 32 40 का इसको प्रॉफिट। तो देखो ये कितना होता है, 39 39x अपॉन 100 माइनस 7 21 21x, इसका डिफरेंस कितना दे रखा है, 32 40 दे रखा है ठीक है, इसमें से उसको माइनस कर दो तो ये 8 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 18x, तो ये 32 40 और ये 2 0 में, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, 18 मैंने नीचे फेंक दिया ठीक है। अब जरा इसको कट कर लो आप, 18 से ही काट लो सीधा, 18 2 कितना होता है, 36 होता है, 18 1 18 ही जाएगा, अगर 18 1 18 जाएगा तो ये 144 आएगा, अब 18 8 होता है 144 ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया आपका 18,000, उनको एक्स ही निकालना था ना, लोन अमाउंट निकालना था, 18,000 आ गया। देखो कॉस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ शुगर ₹25 एंड ₹40, अच्छा दो टाइप की अपने पास शुगर है, ये बहुत ही शुगर आर मिक्स हो गया था, इतने रेशियो में इसको मिलाएंगे तो देन व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ मिक्स वैरायटी ऑफ शुगर पर केजी। तो एक है 25 की ठीक है, ये अपन को पड़ी 2 में मिलाया अपन ने ठीक है, 2/5 में मिलाया, और दूसरी वाली अपन ने 40 है इसको मिलाया 3/5 में, ये 5 5 से कट गया, ये 5 से 8 टाइम्स कट गया, ये 8 3 24, ये 5 2 10, कितने का पड़ेगा मिक्सचर अपन को, 4 आ दिया। नेक्स्ट, राम स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड। अब देखो इसको कैसे करते हैं, देखो पहले 30% निकालना है, 100% मानो आप 30% पहले ही खा जाओ तो 70% बचा, मतलब 70x बचा, मैंने 100x माना था, 70x बचा, अब 70x जो बचा इसने कहा रिमेनिंग का 50%, तो 30% गया तो 70x रिमेनिंग बचा, इसका भी 50% उसने कहाँ कर दिया, खर्च एक्सपेंस पे कर दिया, और जो बचा हुआ था वो इतनी है, तो अगर 50% बचे हुए का खर्च कर दिया तो बचा कितना, अगर भाई 70x था इसका उसने आधा खर्च कर दिया तो आधा ही बचा, मतलब 1/2 ही बचा, तो 1/2 जो बचा उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी दे रखी है आपको 10500, 2 यहाँ आ गया, 70 नीचे आया, एक्स की वैल्यू में निकालो, ये आपका कितने टाइम्स कट जाएगा, ये आपका 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और आ जाएगा आपका 3 आ गया, 3,000। क्या पूछा है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ शाम इफ मंथली, इफ मंथली इनकम ऑफ राम इज 25% लेस देन डेट ऑफ शाम। उसने कहा कि शाम की मंथली इनकम निकालो, अगर राम की 25% कम है तो, राम की 25% कम है तो शाम की मंथली इनकम निकालो ठीक है, अगर शाम से उसकी 3/4 है राम की, तो भाई शाम की कितनी होगी, शाम की 40,000 हो जाएगी, ये 2 0 हैं, इसके यहाँ पे 30,000 होगा और ये
3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 40। नेक्स्ट, अब ये देखते हैं, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन, फादर प्लस सन कितना है 45। 5 ईयर अगो द फादर वॉज 35 ईयर ओल्ड, 5 साल पहले 35 साल का था, तो अब कितने का हो जाएगा, अब 40 का हो जाएगा, तो सन की सीधा सीधा 5 साल आ गए। बहुत आसान था ये तो। अब क्या बच रहा है, 36 बच रहा है और 12 बच रहा है। इसको अपन छोड़ रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, और इसको अपन इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये मुझे कुछ डाउट लग रहा है इसमें, मुझे इसकी लैंग्वेज समझ में। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ और देखते हैं अपनी एक्यूरेसी क्या रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 100% एक्यूरेसी। ठीक है, टाइम को मत देखो आप, क्योंकि हमने 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, मैंने आपको बताया था 34 क्वेश्चन हमने 25 मिनट के अंदर अंदर अटेम्प्ट कर लिए थे। ये देखो सब हरा रहा है, ऐसे आपकी 100% एक्यूरेसी आ सकती है, आपको वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये क्वेश्चन कर दिया तो कर दिया। इस तरह से आप बेसिक ट्रिक्स लगाइए और सारे क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप उस वीडियो को वापस देखिए, मैंने क्या कंसेप्ट लगाया, कैसे करा, हो सकता है आपको आज ही बहुत कुछ सीखने को मिले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।